YouTube चैनल, दिस इज जाह्नवी एंड आई होप यू डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं दादी और मैं शाम को आउटिंग पे, तो जैसे कि हम रेडी हैं और सोलन में हम जा रहे हैं बाय वॉकिंग। और आज मौसम बहुत अच्छा है, कोई गर्मी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से मौसम है। चलिए आपको दिखाते हैं। बीबल बचपन में ना, जब हम छोटे होते थे तो हम इस रास्ते से आया करते थे और यहाँ पे ना एक शेल्टर होता था। अब तो उसकी छत ही नहीं है, पता नहीं फिर शायद बाद में क्या हो गया, थोड़ा खाली सा हो गया। और ऐसा कुछ रास्ता है जो हमारे घर को जाता है। अभी हम वहाँ से पैदल पैदल आ रहे थे तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। पहले अब हमारा रास्ता मर्ज हो गया मेन रोड पे, अब यहाँ से हम बीच बीच से जाएंगे। हेलो दादी, हाय हाय। तो दादी पैदल पैदल जा रही है, कहाँ जा रही है दादी? ले जा रही मेरे को जान भी पैदल पैदल। तो दादी को ऑटो में गाड़ी में ये दादी झूठ बोल रहे हैं। अभी हम पैदल जाने के प्लान से आए हैं और अभी हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा रास्ता कवर किया है अभी हमने। तो सोलन का मार्केट जो मेन एरिया दिखने लग गया है वहाँ हमें जाना है, पर अभी काफ़ी दूर है, चलिए चलते हैं। मैं फिर से आ गई अपनी फेवरेट शॉप पे, क्या क्या स्प्रिंग रोल्स मुझे बहुत पसंद है। बस दादी बैठ गई रेस्ट करने थोड़ी देर, क्योंकि दादी थक गई है। और हमने ऑर्डर कर लिए अपने स्प्रिंग रोल और मोमोज। तो हम पहुंच गए बाजार में। तो भी हम सब्जी लेने के लिए रुके हैं। तो हम बहुत सारी सब्जी की शॉपिंग करके आ गए। एक स्मॉल टाउन का बाज़ार कैसा होता है मैंने आपको दिखाया अभी। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं ऑटो का। आते हुए तो हमें इतने ऑटोज मिले जो हमें चाहिए नहीं थे। अब वापस जाने के लिए जब ऑटो चाहिए तो एक भी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं हमारा लक कैसा है और आज हमें ऑटो मिलेगा कि नहीं या हमें पैदल जाना पड़ेगा। लेट अस सी। इतना बुरा लक है कि एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है। स्टैंडिंग एट द चौक सिंस 5-10-15 मिनट्स। फाइनली दोस्तों ऑटो मिल गया है और हम चढ़ रहे हैं सोलन की चढ़ाई हुए। दादी खुश हम खुश, क्योंकि इतना सारा सामान हम पैदल नहीं ले जा सकते थे ऑब्वियसली, और बहुत भारी हो गया था हमारा पैकेट। और हम काफ़ी देर से ऑटो का भी वेट कर रहे थे, सो थैंक्स टू ऑटो वाले अंकल की वो जल्दी आ गए, पर हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। फिर अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। दादी ने चाय बनाई है मेरे लिए, पूरा ग्लास भर के। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ग्लास है और बहुत सारी चाय है इसमें। तो अभी दादू मेरी हेल्प करेंगे। क्यों दादू करेंगे ना आप मेरी हेल्प? चाय पीनी है आपने? चाय पीनी है? चाय हाँ। तो अब दादू मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि दादी ने जो बनाया है यहाँ पे इतना बड़ा ग्लास चाय का, ये ख़त्म करने के लिए दादू करेंगे मेरी हेल्प। मैं इतनी पीती हूँ और दूसरों को भी इतनी पिलाती हूँ। हाँ तो दादी कह रहे हैं कि मैं इतनी पीती हूँ तो दूसरे भी इतने पिए। हाँ। देखो देखो जरा लोगों, देखो ये थोड़ा इग्नोर कर दो। दादी ने पहली बार आइस टी टेस्ट की है, तो कैसे लगी आपको गर्मियों में? तो दादी को पहली बार हमने आइस टी टेस्ट कराई है और दादी पी रहे मेरे हॉस्टल के मग में। तो अच्छी अच्छी। आज गर्मी बहुत है सोलन में, हम काफ़ी ऊपर है अभी 4th फ्लोर पे, ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर। तो दादी को हमने सोचा क्यों ना इनको आज टेस्ट कराया जाए ठंडी ठंडी लेमन फ्लेवर आइस टी। गुड मॉर्निंग पीपल, एक बार मौसम चेक करो कि मस्त मौसम है। आज तो बारिश हो रही है सोलन में, तो ऐसे बारिश के मौसम में हम खाएंगे सुबह सुबह तरबूज। तो अभी हम काटने वाले हैं ये वाटरमेलन को, क्योंकि आज मौसम अच्छा अच्छा है और कल हम फ्रूट्स लेके आए थे तो हमने सोचा कि इसको खा लेते हैं। पीपल मॉनसून सीजन आ गया है और हमारे साथ तो धोखा ही हो गया, हमारा वाटरमेलन तो ख़राब निकला। तो अब हम खाते हैं अपना खाना। दादी ने बनाया है बैंगन की सब्ज़ी भरता, बैंगन का भरता, साथ में हमारे पास रोटी है, थोड़ा सैलेड है और चाय है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट कम लंच। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।